में बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट आया है। कि कितना प्यारा इसका टेक्सचर है। यस गाइस, सो हाय गाइस, वेलकम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। एंड गाइस, ये इतनी खुशी की वीडियो और आपको मेरी आंखों में पानी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं एक क्लिप यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने लेंस अपने आप से लगाए। हाँ, इट इज़ टेकिंग 10 to 15 minutes, बट स्टिल मैंने अपने आप लगाए। आई एम सो ग्लैड कि मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ। और अब जल्दी से मेकअप प्रेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इससे पहले कि आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो देख ली होगी, विच इज़ जो मैंने स्किन प्रेप करी थी, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप जल्दी वाला, जल्दी से। यस गाइस, अब हम लगाएंगे मेरा जो ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर, ठीक है? ये बहुत अच्छा ड्यूई लुक देता है। अब मैं ये लगा के जल्दी से आती हूँ, ठीक है? आई थॉट कि मैं नॉर्मल वीडियो भी बनाऊंगी, बट आज टाइम नहीं है इसका, मैं कल शूट कर लूँगी एंड डाल दूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगी बट तब तक इंस्टाग्राम में चली जाएगी वो। तो यस, ये मैंने लगा लिया है प्राइमर अपना अच्छे से, कि मैं करेक्टर लगाती हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा थोड़े हाइलाइटेड डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए मैं करेक्टर यूज़ करती हूँ। एंड यस गाइस, करेक्टर लगा के मैं आती हूँ। मुझे लग रहा था किसकी कमी है, मैं अभी नीचे से लेके आई हूँ। मैं इसमें देख के अपना करेक्टर लगाती हूँ, आफ्टर दैट आई विल मीट यू। करेक्टर यूज़ करने के बाद मैं एले गर्ल के दो कंसीलर मिक्स करूँगी, ठीक है? गाइज, इससे अच्छे अच्छे भी कंसीलर्स हैं, मैंने सुना है। लाइक स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत ही बजट फ्रेंडली है एंड उसके काफ़ी अच्छे पिगमेंट्स हैं, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये थे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ मेकअप के, क्योंकि जो डेली वेयर की यूज़ स्किन केयर होता है वो मैं लेती हूँ, ये ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि इसके एक्सपायरी डेट्स भी काफ़ी जल्दी की होती है और उसके अकॉर्डिंग ही इनको यूज़ करना चाहिए। बी इन योर माइंड कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आप तुम इसके एक्सपायरी चीज़ यूज़ करोगे ऑन योर फेस, इट विल बी डैमेज योर स्किन। तो कम लो, मिनिमल लो, जो आपके लॉन्ग पीरियड चले। तो मैं ये लगा के अच्छे से कंसील करके देन आई विल कम हियर। इसको मैंने वेट कर लिया है, इसको मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगी, ठीक है? इसको बस जस्ट डैप डैप करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको ऐसे करके लगाऊंगी तो सारा प्रोडक्ट इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा ब्लेंडर में, तो बेस्ट है आती हूँ। अगर आप मेरा ब्लेंडर देखोगे तो इसमें बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट आया है, वो भी सिर्फ डैब डैब की वजह से जो मैंने डैब किया है। एंड गाइस, एक ये है स्विस ब्यूटी का और एक ये है मेबेलिन का शेड 130, ठीक है? ये मैं लूँगी एक पंप, इवन हाफ ही होगा, ठीक है? इसको हम रखेंगे, इसका लेंगे हम हाफ पंप, ठीक है? ये दो शेड्स मिला के इसको भी हम अच्छे से अपने पूरे फेस में लगा लेंगे। ये मैंने अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसको भी डैप डैप करूँगी, ज़्यादा प्रेशर ना देके, सिर्फ एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए जस्ट डैप डैप, कि जितना ओवर प्रोडक्ट लगा है वो अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए। टडाट, लेट्स गाइस, माय फाउंडेशन इज ऑलमोस्ट डन, ठीक है? एंड यस गाइस, अभी मैं लगा रही हूँ सिर्फ कॉम्पैक्ट, ठीक है? इसको अच्छे से लॉक करने के लिए। और बेकिंग पाउडर मैंने अभी यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अभी ज़रूरत है। एंड नेवर फॉरगेट योर नेक ऑल्सो, ठीक है? इट विल लुकिंग सो डिफरेंट इफ यू आर नॉट कवर योर नेक, ठीक है? अब हम जल्दी से आई का मेकअप करेंगे, क्योंकि गाइज मैंने लेंसेज अपने आज खुद लगाए हैं। मेकअप जो मेरा बेसिक है, हम पहले अपने आई को अच्छे से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट इन द सेंस कि पहले अच्छे से कोई हम लाइटर शेड लगाने के बाद उसमें ब्राउन शेड ऐड करेंगे। मैं तीन शेड ऐड करती हूँ अपने, ठीक है? एंड आई 1 2 3 डैप्स के बाद हम हमेशा इसको अच्छे से फिंगर से ब्लेंड करते हैं। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि एवरी टाइम यूज़ योर फिंगर्स, क्योंकि जब भी मैं ब्रशेस यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस में बहुत पिंपल्स हो जाते हैं। जो मेरा अभी ये ब्लशर वाला ब्रश था वो भी मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। आपने मेरे इससे पहले कोई वीडियोज़ में बहुत ही कम देखा होगा, ठीक है? तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद जब हमारी आई का मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा, ऊपर से हम लाइटर शेड और ऐड करेंगे। इट विल इन्हेंस
और आईज, ठीक है। जी आज को शिमरी आईज की जाए। इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो हम करेंगे कुछ। मेरा ग्रीन है ना, ग्रीन कॉपर, ग्रीन कॉपर, ग्रीन कॉपर लेते हैं। नहीं, चेंज से कॉपर। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉपर वर्क ही है। मैंने आपको बोला था इसके बाद जब हमारा ये मेकअप हो जाएगा देन हम ऊपर से एड ऑन करेंगे अपना। चलो इसमें है एक लाइट शेड, देन जस्ट इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, इट्स इनफ, ठीक है। या इट इज मोर देन इनफ। स्ट्रगल भरा पार्ट आ गया, विच इज आईलैशेस। तो आईलैशेस लगाते हैं, देन आई विल कम बैक। यस गाइस, मैंने लैशेस लगाने के बाद अपना ये फेसेस कनाडा का लैश सॉरी आईलाइनर लगा लिया है। अब मैं थोड़े से आईज को कर्ल करूँगी, मर्ज करूँगी दोनों जो मेरी लैशेस हैं एंड जो मैंने फॉल लैशेस लगाई हैं उनको मर्ज करूँगी सर। आफ्टर दैट आई विल यूज़ माई मस्कारा, ये भी मेबलिन का है, हल्टा कर हाइपर कर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसका मैं यहाँ ब्राउन शेड लूंगी और ये ब्लैक, एंड देन आफ्टर दैट हम इसको ये जो मेरा लिप शेड लगाया है, लिप लाइनर लगाया है, तब तक मैं अपना ये ब्लशर लगाती हूँ, ठीक है। ये मेरी एस्टर लॉडर की लिपस्टिक है बट इसका बहुत अच्छा ये शेड है, तो ये ब्लश के लिए लिक्विड ब्लश का बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। लुक 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 गाइस, एज यू गाइस कैन सी कि कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है ना। आई जस्ट लव इट, आई लव इट, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में दिखाया है, मैं शुगर का यूज़ करती हूँ। मैं आपको अच्छे से बता रखा है कि हमको हमेशा ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। चल इफ यू आर, जो मैंने ब्लशर लगाया उसी की मैं लिपस्टिक कर वो लगाऊंगी। एंड गाइज, अगर आप ग्लॉस लिपस्टिक लगाने का सोचो तो हमेशा यू जस्ट हैव टू कैरी विद यू ऑलवेज। रेडी हो गए, बस आ गए। दिस इज व्हाट आई वेयर एंड गेट रेडी विद मी। मैंने छोटे छोटे से स्टड्स पहने हैं, ठीक है, एंड बेलीज मैं ऐसे नहीं दिखा सकती। तो होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताना कि कैसे लगा। एंड जल्दी जल्दी मैंने वो कर लिया अपना मेकअप, मैंने आपको बताया, बस मैं ये अपने लिप ग्लॉस अपने बैग में लेके जाऊंगी। एंड नीचे चलते जल्दी से, सब मेरा वेट कर रहे हैं एंड आई एम रेडी। मेरे को भी यहाँ पे पिन भी टक करनी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल। मिलते हैं एंड मुझे बताना कि मेरे को ये लुक, मेरे को नहीं आपको ये लुक कैसे लगा। लव यू ऑल।